तो हेलो एवरीवन, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हेमंत टैग में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वीडियो को यूट्यूब पे सही तरीके से कैसे अपलोड करोगे। अपलोड करना तो आपको भी आता है लेकिन आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हो, जो आपका वीडियो है टैग डाउन हो जाता है। या तो आप एज वाले सेक्शन में जाके फंस जाते हो या तो वीडियो अपलोड करते ही सीधा पब्लिश कर देते हो, जिसके वजह से आप टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन कुछ भी लगा नहीं पाते हो और वहां पर आपका वीडियो है वो टैग डाउन हो जाता है, जिससे आपका व्यूज सब्सक्राइबर वॉचिंग हाउस बढ़ नहीं पाते और आप वहां पर डिमोटिवेट हो जाते हो, वीडियो बनाना बंद कर देते हो। लेकिन आज के वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सही तरीके से कैसे अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो, कैसे उसे अब कब पब्लिश करना है, इसके बारे में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा तब जाके आपको समझ आएगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी फोन की। सो गाइस, मैं आ गया अपनी फोन की स्क्रीन पे और आपको ओपन कर लेना है अपना यूट्यूब। यूट्यूब ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर बीच में आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है, इस पे अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही हमें तीन ऑप्शन आ जाता है, एक अपलोड वीडियो का आता है, क्रिएट ए शॉर्ट वीडियो, और एक आता है गो लाइव। तो हमें वीडियो अपलोड करना है तो अपलोड वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जो अपलोड करना है, जैसे कि मुझे ये वाली वीडियो अपना अपलोड करना है तो मुझे ये वाली वीडियो अपलोड करनी है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस हमारा जो पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट टाइटल और यहाँ पर एड डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैंने सीधा, आप लोग क्या करते हो जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पर आप सीधा पब्लिश पे क्लिक करके आप सीधा पब्लिश कर देते हो, जिससे आपका वीडियो अपलोड होते ही सीधा पब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पर आपको नहीं करना है, यहीं पर आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको अपलोड करने से पहले आपको अनलिस्ट कर देना है या तो प्राइवेट कर देना है। जैसे वीडियो आपको अपलोड हो जाने के बाद आप उसे सब चीज ओके करके आप पब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो अनलिस्ट ही करके वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको भी ये करनी चाहिए। उसके बाद आपको अनलिस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक आ रहा है शेड्यूल, बना लो आप कब अपलोड करोगे, आप अभी भी बना सकते हो या तो बाद में भी इसे कर सकते हो, तो इसे अभी रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन और रहने दो, ऊपर में आपको दिख रहा है नेक्स्ट, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद यहीं पर आप फंस जाते हो, यहाँ पर लिखा है दिस वीडियो मेड फॉर किड रिक्वायर्ड, आप यहाँ पर यस कर लेते हो या तो नो कर देते हो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, सिलेक्ट तब करना है यदि आप चाइल्ड के लिए बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, एडवांस करके एज का है इसमें भी, तो इसमें लिखा है यस रिस्ट्राइक माय वीडियो टू व्यूअर, नो डोंट रिस्ट्राइक, तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। यदि आप यस कर देते हो तो आपका जो वीडियो है 18 साल से कम उम्र के ही लोग ही देख पाएंगे, यदि आप नो करते हो तो आपका जो वीडियो है कोई भी उम्र का सभी देख पाएंगे, तो आप यहीं पर जो फंस जाते हो। इट्स मेड फॉर किड पे क्लिक करते हो तो आपका जो वीडियो है उसमें कमेंट बॉक्स जो ऑफ रह जाएगा, ठीक है। पर आपको फिर इसे सही से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना है मेड फॉर किड को, और नीचे वाले में आपको नो डोंट पे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। हमारा यहाँ पर अपलोड हो रहा है वीडियो, यहाँ पर शो हो जाएगा आपको। उसके बाद अपलोड हो जाने के बाद आपको सीधा अपने YT स्टूडियो में जाना है। YT स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। YT स्टूडियो ओपन कर लेने के बाद यहाँ आप जो वीडियो अपलोड कर रहे होगे उसे सिलेक्ट कर लेना है, और ऊपर में यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है, आपको ये काम YT स्टूडियो में करना है। तो ऊपर में आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद एक नया पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर वीडियो का टाइटल भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, और नीचे में आपको टैग का ऑप्शन आ रहा है, ये भी आप कर सकते हो। आपको वीडियो अपलोड करने से पहले आपको सबसे पहली बात है कि अनलिस्ट करके तुरंत आपको अपलोड कर देना है, फिर बाद में आप थंबनेल लगा लेना, डिस्क्रिप्शन टाइटल और टैग यहाँ से आप आसानी से लगा सकते हो। तो ये है वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। आपको वीडियो अपलोड करते ही पब्लिश नहीं करना है, अनलिस्ट करके आपको जो है वीडियो अपलोड करनी चाहिए। और हाँ गाइस, ये काम आप क्रोम ब्राउजर में भी कर सकते हो, वीडियो youtube.com में जाके आप वहां से अपलोड कर सकते हो। वहां पर जो आप अपलोड करोगे आपको ये जो चीज है स्टार्टिंग में आपको ये डालनी होती है। तो मुझे सरल इसी ऐप से लगता है, तो मैं इससे जल्दी अपलोड करके जो अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी डाल के मैं अपना एक फिक्स टाइम है, मेरा जो वीडियो है वो सुबह 9 बजे आपको पब्लिश हो जाता है, तो उस टाइम जो है मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो आपको भी सही इसी प्रकार से आपको वीडियो को पब्लिश करना है, और डालते समय आपको पब्लिश नहीं करना है। तो गाइस, आपको इसी प्रकार से यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना है। वीडियो अपलोड करने से पहले आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और थंबनेल सारे चीज ओके होने चाहिए, तब जाके आपको पब्लिश करना चाहिए। और आपको वीडियो अपलोड करने से पहले आप एक फिक्स टाइम बना लेना कि पब्लिश किस टाइम करना है। यदि आप मॉर्निंग में करते हो तो आपको 6 से 10 बजे के बीच में आपको पब्लिश करना है।
यदि आप इवनिंग टाइम में करते हो तो आपका इवनिंग टाइम 5 बजे से रात 8 बजे तक आप कभी भी पब्लिश कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम में हमारा जो यूजर है वो यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उसमें हमें व्यूज और सब्सक्राइबर वॉचिंग हॉल बढ़ने का ज्यादा चांसेस रहता है। जैसे ही आपका वीडियो पब्लिश हो जाता है उसके बाद आपको कहीं पर शेयर नहीं करना है, नहीं आपको देखना है खुद के आईडी से। उससे क्या होता है, आपका जो वीडियो है टैग डाउन हो जाता है। हम किसी के पास शेयर कर भी देते हैं वो हमारा वीडियो पूरा देखता नहीं है, आधे में देख के स्किप कर देता है, जिससे हमारा जो वीडियो है वो टैग डाउन हो जाता है। तो मेरा सजेशन है कि आप अपने वीडियो को पब्लिश करने के बाद ना देखो और ना किसी के पास शेयर करो। तो आई होप गाइस आपको पूरी बात समझ आ गई होगी कि आपको कैसे वीडियो अपलोड करनी है और किस प्रकार आप रूल फॉलो करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशनल वीडियो देता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।